बीएससी फर्स्ट ईयर हम लोग पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक हमारा चल रहा है गैसीय स्टेट एंड मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। और गैसीय स्टेट मॉलिक्यूलर वेलोसिटी का जो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो है उसकी हेडिंग है क्वांटिटेटिव डिस्कशन ऑफ द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, यानी आणविक वेगों के मैक्सवेल वितरण का गुणात्मक विवेचना। क्लियर है? तो हम क्या बात कर रहे हैं कि आणविक वेगों के मैक्सवेल वितरण की गुणात्मक विवेचना, ठीक है, यानी क्वालिटेटिव एनालिसिस या क्वालिटेटिव डिस्कशन ऑफ द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। अब हम जानते हैं कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस क्या होती है, तो हम लोग लिखते हैं पीवी इक्वल टू 1/3 एम एन सी स्क्वायर, इस फॉर्म में उसको लिखा जाता है। यानी किसी भी गैस के जो अणु होते हैं उनका जो इक्वेशन होती है उसको पीवी इक्वल टू 1/3 एम एन सी स्क्वायर से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम एक बात और जानते हैं, क्या जानते हैं कि ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस डू नॉट हैव इक्वल वेलोसिटी, सभी गैस के अणुओं की गति एक जैसी नहीं होती है। अब कैसे समझें, तो हमने कहा कि हमारे पास में कोई एक एपरेटस यानी कोई पात्र है, उस पात्र में गैस के हमारे पास में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है। क्लियर है? तो हम कह रहे हैं कि जो गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है तो उसकी वेलोसिटी या उसकी गति एक जैसी नहीं होगी। तो जितने भी मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहे हैं उन सबकी गति एक जैसी नहीं हो सकती। तो ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस डू नॉट हैव इक्वल वेलोसिटी बिकॉज द मॉलिक्यूल कीप ऑन कोलाइडिंग विद वन अनादर वेरी फ्रिक्वेंटली एंड देयर वेलोसिटी कीप ऑन वेरिंग। कहने का मतलब है कि जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं उन सब गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी यानी गति एक जैसी नहीं होती है, किंतु जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में कोलाइड करते रहते हैं। मॉलिक्यूल क्या करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे। कोलाइड का मतलब है कि वो एक दूसरे से गति करेंगे, तो क्या करेंगे, टकराएंगे। जब ये टकराते हैं, गति करते हुए टकराते हैं, तो इन मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी यानी जो गति होती है वो क्या होती है, परिवर्तित होती रहती है, यानी कि वेरी होती है। और इसकी जो वेलोसिटी होती है वो 10^-9 सेकंड से भी कम समय में परिवर्तित हो जाती है। तो जो गैस के मॉलिक्यूल गति कर रहे हैं, जो मोशन में जिनकी वेलोसिटी है, उनकी कभी भी वेलोसिटी एक जैसी नहीं होती, यानी कि परिवर्तित होती रहती है। और कब चेंज होती है, तो 10^-9 सेकंड से भी कम समय में चेंज हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एवरी मॉलिक्यूल देयर वेलोसिटी चेंज लेस देन 10^-9 सेकंड, यानी 10^-9 सेकंड से भी कम समय में ये चेंज हो जाती है। आगे बात करें, एक और हम ये कह सकते हैं कि गैस के जितने मॉलिक्यूल्स है उन सब की गति यानी वेलोसिटी एक जैसी नहीं हो सकती। क्लियर है? एक जैसी वेलोसिटी नहीं हो सकती। जब इन गैस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी की हम बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि उच्च काइनेटिक एनर्जी यानी हाई काइनेटिक एनर्जी पे मॉलिक्यूल्स गति करते हैं। अब होता है क्या, इसके डेफिनेशन की तरफ चलें तो हम ये कह सकते हैं मॉलिक्यूल ऑफ गैस आर डिस्ट्रीब्यूट ओवर द पॉसिबल, जो मॉलिक्यूल वितरित है गैस के उनकी क्या कंडीशन हो सकती है, तो वेलोसिटी फ्रॉम 0 to very high, यानी जो गैस के मॉलिक्यूल गति कर रहे हैं उनकी गति 0 to बहुत उच्च हो सकती है। तो हम ये कह रहे हैं कि द मॉलिक्यूलर वेलोसिटी फ्रॉम 0 to very high वैल्यू वाज वर्कड बाय जेसी मैक्सवेल, यानी जो गैस के अणु 0 to उच्च गति कर रहे हैं उनके बारे में सबसे पहले जेसी मैक्सवेल ने एक अपना डिस्ट्रीब्यूशन लॉ दिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि गैस के अणुओं की गति 0 to उच्च तक हो सकती है। अब ये जो गति होती है ये कहीं ना कहीं टेम्परेचर के कारण अफेक्ट होती है।
हम ये कह सकते हैं कि गैस के अणुओं में टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस के अणुओं की गति भी बढ़ जाती है। क्लियर है? यानी हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर विल बी इंक्रीजेस द वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज ऑल्सो इंक्रीजेस। अब इसके बेसिस पर मैक्सवेल ने एक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया। अब वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। क्लियर है? अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने कहा कि डेल एन बाय एन इक्वल टू, कुछ बुक में इस डेल एन बाय एन को डिफरेंशिएशन एन बाय एन से भी रिप्रेजेंट कर रहा था। क्लियर है? इक्वेशन क्या है तो 4 पाई। क्लियर है? डेल देखो डेल एन बाय एन इक्वल टू क्या है तो 4 पाई एम 2 पाई आर टी की पावर 3/2। एक टर्म तो ये दे रखी, दूसरी दे रखी है सी स्क्वायर ई की पावर, ई यानी नेचुरल लॉगरिथम, इसकी पावर क्या है तो एम सी स्क्वायर बाय 2 आर टी के फॉर्म में दे रखा है। क्लियर है? और यहां पर दे रखा डिफरेंशिएशन टर्म डीसी। ठीक, अब देखो कुछ बुक में तो ये इक्वेशन दे रखी है और इसी इक्वेशन को डेल एन बाय एन यानी 4 पाई एम 2 पाई आर टी की पावर 3/2 सी स्क्वायर ई की पावर माइनस एम सी स्क्वायर 2 आर टी डी सी, इन दोनों को हम इक्वेशन एक दे सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे कौन सी टर्म क्या है, हम कहें कि यहां पर डेल एन बाय एन और डी एन बाय ए जो टर्म है वो टर्म किसको रिप्रेजेंट करती है, तो ये रिप्रेजेंट करती है फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एन हैविंग अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ वेलोसिटी बिटवीन सी एंड डी सी। यानी हिंदी में कहें तो संपूर्ण अणुओं का वह अंश जिसकी गति सी एवं सी प्लस डी सी के बीच में है, अर्थात हमने कहा फ्रैक्शन ऑफ द टोटल मॉलिक्यूल्स हैविंग अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ वेलोसिटी बिटवीन सी एंड सी प्लस डी सी। दूसरी टर्म आपको क्या दिखाई दे रही, आर दिखाई दे रहा। हम लोग क्या कहते हैं इसको, गैस कांस्टेंट यानी गैस स्थिरांक। टी क्या है, टी जो होता है वो हम लोग जानते हैं टेम्परेचर यानी कि तापमान होता है। अब सी क्या है, वेलोसिटी यानी अणुओं का वेग, वेलोसिटी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। ई क्या है, प्राकृतिक लघु गुणा यानी कि नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है, आगे देखें एम क्या है, मास यानी कि द्रव्यमान, और सी क्या है, वेलोसिटी यानी कि जो आपको इक्वेशन फर्स्ट दिखाई दे रही है उस इक्वेशन फर्स्ट को लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी कहते हैं। क्लियर है? इस इक्वेशन में थोड़ा सा परिवर्तन हम करके देखते हैं, इसको यहां से हटाते हैं और एक इसमें चेंज कर देते हैं। अब चेंज क्या है उसकी तरफ आता हूं मैं और उस परिवर्तन को समझते हैं क्या करना है। इस चेंज को करें तो हम लिख रहे हैं 1/n, n को हमने किस फॉर्म में लिख दिया, 1/n को लिख दिया। यहां पर क्या डी एन और डी सी को इधर से लेके आए तो डी एन बाय डी सी, बाकी की इक्वेशन पूरी इसी की से आ जाएगी 4 पाई m/2πRT की पावर 3/2 सी स्क्वायर e की पावर माइनस एम सी स्क्वायर 2 आर टी। क्लियर है? इस तरीके से हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं।
अब आपको ये जो टर्म दिखाई दे रही है, ये टर्म प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता को व्यक्त करती है और इसको हम P से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं P इक्वल टू ऐसी पूरी इक्वेशन हो जाती है, इसको इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हैं। आगे चलते, इसमें आपको एक टर्म दिखाई दे रही है, कौन सी? ये वाली टर्म, ठीक है। इस टर्म को कहा जाता है प्रोबेबिलिटी, सॉरी एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहते हैं इसको, और ये इसको बोल्ट्जमान फैक्टर भी कहा जाता है। हमारा टॉपिक है इसके आगे जो हमने अभी तक पढ़ा वो था लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, यानी आणविक वेगों का वितरण नियम। इसके बाद में आपको दिखाई दे रहा है एक ग्राफ दिखाई दे रहा है, और ये ग्राफ क्या है तो हम देखेंगे कि ये ग्राफ द इम्पोर्टेंस फीचर ऑफ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी, यानी मैक्सवेल वितरण के कुछ प्रमुख बिंदु। अब आप ग्राफ में देखेंगे तो आपको सबसे ऊपर मोस्ट वेरिएबल वेलोसिटी दिखाई दे रही है, दूसरे नंबर पर मीन एवरेज वेलोसिटी भी दिखाई दे रही है, तो तीसरे नंबर पर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी यानी यू दिखाई दे रही है। ग्राफ इसके बीच में बना हुआ है तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद वेलोसिटी बिटवीन सी एंड सी प्लस बी सी, और दूसरा मॉलिक्यूलर वेलोसिटी के बीच में ग्राफ को प्लॉट किया गया है। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर की तरफ चले। पहला फीचर क्या है? शून्य वेग वाले अणुओं की संख्या लगभग शून्य होती है। शून्य वेग वाले अणुओं की संख्या क्या होती है? लगभग शून्य होती है। यानी कह सकते हैं कि द मॉलिक्यूल्स इज जीरो वेलोसिटी इज क्या होगी? तो जीरो, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि द जीरो वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज जीरो, शून्य वेग वाले अणुओं की संख्या लगभग क्या होगी? शून्य होगी। दूसरी कंडीशन, शून्य से अधिक वेग वाले अणुओं की संख्या वेग वृद्धि के साथ बढ़ती जाती है। हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज होते हैं तो वेलोसिटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और ये एक हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर धीरे धीरे डिक्रीज हो जाते हैं। तो हम देख रहे हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी एकदम हाईएस्ट पॉइंट है, वहां पहुंचने के बाद में वेलोसिटी क्या होती है? धीरे धीरे कम हो जाती है। यानी उच्चतम वेग वाले अणुओं का अंश अधिकतम होता है, यानी फ्रैक्शन ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी इज मैक्सिमम। हम ये कह सकते हैं कि इस अंश के अणुओं के वेग को गैस का मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं। फ्रैक्शन को क्या कहा जाता है? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहा जाता है। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वह वेग होता है जो गैस के सबसे अधिक अणुओं में पाया जाता है। ये कह सकते हैं कि द मैक्सिमम वेलोसिटी शोज बाय गैस मॉलिक्यूल इट इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। और आपको एक हाईएस्ट पीक दिखाई दे रही है जिसे मैक्सिमम करस्पॉन्डिंग या मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी अल्फा कहते हैं। उसी कहते हैं इसको मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी अल्फा कहते हैं। अब हम आगे एक और ग्राफ लेकर आ गए, ठीक है। यदि तीन डिफरेंट टेम्परेचर के बीच में ग्राफ को हम खींचे तो हम देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर को जब इंक्रीज किया जाता है तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी भी इंक्रीज होगा। सेकेंड कंडीशन क्या है कि जैसे जैसे ताप बढ़ने के साथ में उस टेम्परेचर को जब इंक्रीज किया जाता है तो कर्व की हाइट यानी उसकी ऊंचाई कम हो जाती है। इससे यह क्लियर होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ प्रोबेबल वेलोसिटी के मॉलिक्यूल की संख्या घटती जाती है, यानी द मॉलिक्यूल इज डिक्रीज बाय टेम्परेचर इज हाई इस कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अगली कंडीशन ये है कि ताप बढ़ने के साथ वक्र की चौड़ाई अधिक हो जाती है। अब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो कर्व क्या होते हैं? फ्लैट होते जाते हैं, यानी कि चौड़े हो जाते हैं। ऐसे अणुओं की संख्या अधिक हो जाती है जिनमें उच्चतम वेग प्रायिकतम वेग के लगभग समान हो जाता है, यानी द मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम इट इज इक्वल टू मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी टू मोस्ट वेलोसिटी की बात की हमारी उच्चतम वेग प्रायिकतम वेग के बराबर हो जाता है, तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इक्वल टू हाईएस्ट वेलोसिटी। क्लियर है? इस कारण से क्या है कि उच्च ताप पर आणविक वेग अधिक विस्तृत रूप से वितरित होते हैं, यानी कि हाईएस्ट टेंपरेचर पर मॉलिक्यूल्स का गैस के मॉलिक्यूल का डिस्ट्रीब्यूशन
ज्यादा से ज्यादा होता है। अब रिजल्ट क्या निकला, हम ये कह सकते हैं टेम्परेचर को इंक्रीज करने के साथ साथ में प्रोबेबिलिटी भी इंक्रीज होती है, यानी क्लाइमेटिक वेव भी बढ़ता है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इंक्रीजेस सो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीज, तो वेग वाले अणुओं का अंश घट जाता है। यानी हिंदी में कहें तो ताप बढ़ने के साथ प्रायिकतम वेग तो बढ़ता है किंतु इस वेग वाले अणुओं का अंश घट जाता है। क्लियर है, तो वेग टेम्परेचर इंक्रीज सो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटीज आल्सो इंक्रीज बट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इज डिक्रीजेस, यानी मॉलिक्यूल का जो अंश होता है फ्रैक्शन होता है वो घट जाता है। क्लियर है, ये हमारा टॉपिक था आणविक वेगों के मैक्सवेल इक्वेशन का धनात्मक विवेचन और उसके महत्वपूर्ण बिंदु, यानी क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्लियर है, तो हमने इस वीडियो के अंदर इन सबको डिस्कस किया। अब आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, और जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, तथा ऐसे स्टूडेंट जो आपके क्लासमेट हैं उन तक भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।